अच्छा देवेंद्र, बंदर की तस्वीर आ चुकी है हमारे सामने है इस वक्त, और इसमें आप देखें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां मौजूद हैं। स्वतंत्र देव सिंह वहां नजर आ रहे हैं, किशोर प्रसाद मौर्य जो है वो नजर आ रहे हैं, डॉक्टर दिनेश शर्मा जो है वो भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, संजय निषाद भी हैं और आशीष पटेल भी हैं जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के। जी हाँ, तो गवर्नर साहिबान को दिया जा चुका है पत्र अपने विधायकों की संख्या का, और सहयोगी दलों के भी जो समर्थन के पत्र हैं वो उनको दिए जा चुके हैं। रघुबर दास जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने और स्वतंत्र देव सिंह उन्होंने ही वो चिट्ठी जो है वो राज्यपाल तक पहुंचाई है। तो इस काम के लिए मुख्यमंत्री का आना जरूरी भी नहीं है, आपको पार्टी की तरफ से बताना है कि हमारे पास जो है इतने विधायक हैं। हाँ, जो दावा पेश किया है कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, अब गवर्नर जो है मुख्यमंत्री को न्योता देंगी कि वो शपथ लें और विधायकों के साथ जो कल 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आपको जो ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बता रही हैं। देखिए सौरभ, आपको आशीष पटेल दिखाई दे रहे हैं सामने, जो भगवा गमछा डाले हुए हैं, ये अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री हैं उनके पति हैं, तो MLC हैं इस समय। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि अपना दल के कोटे में 2 मंत्री बनाए जा सकते, उसमें से एक ही आशीष पटेल होंगे। संजय निषाद दिखाई दे रहे हैं जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनके लिए भी कहा जा रहा है कि निषाद पार्टी को जो एक मंत्री की सीट मिलेगी उसमें संजय निषाद मंत्री बनाए जाएंगे। सुरेश खन्ना दिखाई दे रहे हैं, 9 बार के विधायक हैं ये, बहुत सीनियर मंत्री हैं, बहुत अच्छी छवि है इनकी, बहुत काम करने वाले हैं, बहुत ईमानदार, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद इस बार उनको अध्यक्ष बना दिया जाए विधानसभा का, सुरेश खन्ना जी को। जी, क्योंकि जो हृदय नारायण दीक्षित अभी विधानसभा के अध्यक्ष थे, इस बार बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया है, वो चुनाव नहीं लड़े हैं, तो सुरेश खन्ना सीनियर मंत्री हैं, 9 बार के विधायक हैं, तो इनको कहा जा रहा है। हालांकि जयप्रताप सिंह जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी 8 बार के विधायक हैं, सूर्य प्रताप शाही जो हैं 5 बार के विधायक हैं, लक्ष्मी नारायण जो है चौधरी हैं वो भी 5 बार के विधायक हैं, लेकिन नाम जो स्पीकर के लिए वो सुरेश खन्ना का ही चल रहा है। तो एक खबर रुचि जी भी दे रही है आपको कि सुरेश खन्ना वो विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर हो सकते हैं। फिलहाल राजभवन की तस्वीर आपके सामने है और उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कई महत्वपूर्ण चेहरे, और इसी में जो है वो पत्र भी होगा, एक औपचारिक पत्र की विधायक दल का नेता चुन लिया गया है योगी आदित्यनाथ जी को, तो कल शपथ मुख्यमंत्री के तौर पर वो लेंगे। लेकिन जो एक दूसरी बड़ी खबर बताई है देवेंद्र पराशर जो बता रहे हैं, तो ये आपने कहा 55-57 मंत्री हो सकते हैं, ये सभी कल शपथ भी लेंगे? निश्चित तौर पर सौरभ, उसमें जो शपथ लेने वाले लोगों की संख्या रहेगी वो बड़ी संख्या रहेगी, ऐसा हमें ये बताया गया है। एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं बताया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि वो एक बड़ा मंत्रिमंडल जो होगा, और पहली बार जैसा हुआ था कुछ उसी प्रकार का मंत्रिमंडल इस बार भी रहेगा पहली बार में। हालांकि कुछ विंडो, कुछ सीटें निश्चित तौर पर आगे के लिए खाली रखी जाएंगी, लेकिन 55 से अधिक होंगे मंत्री, ऐसी जानकारी दी गई थी। और आपने ये बताया कि 8 से 10 मंत्री जो है वह युवा हो सकते हैं, 40 साल से कम जिनकी आयु है ऐसे हो सकते हैं, और पहली बार जीत कर आए विधायक को भी मंत्री बनाने की तैयारी में बीजेपी है, यानी युवा का और अनुभव का दोनों का मिश्रण जो है इस मंत्रिमंडल में जो आपको दिखाई दे सकता है। दो नामों की चर्चा मैं देवेंद्र आपसे करना चाह रहा हूं, रुचि आपसे भी, असीम अरुण और राजेश्वर सिंह, इनको इनके प्रशासनिक अनुभव के लिए खास तौर पर दोनों का जो लॉ एंड ऑर्डर में जो रहा है और बड़े केसेस में तफ्तीश का जो अनुभव रहा है वो इनको काम में लेना होगा, क्या इनको मंत्रिमंडल में लाने की कोई तैयारी, कोई गुंजाइश? देवेंद्र पहले आप। एक मोटे तौर पर सौरभ, मैं आपको 15-20 नाम की अगर सूची बता दूं तो उसको आपको पहले आइडिया लगेगा, उसके बाद इन दोनों नामों पर बात करते हैं। जैसे केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, दिनेश शर्मा, बेबी रानी मौर्य, श्रीकांत शर्मा, सुनील शर्मा शाहिबाबाद से, आपको ध्यान होगा कि सबसे ज्यादा वोट से जीते हैं इस बार चुनाव, सिद्धार्थनाथ सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, असीम अरुण जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह, जितिन प्रसाद, अनिल राजभर, आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा, इसके अलावा अंजुला माहौर, भूपेंद्र चौधरी, संजय निषाद, आशीष पटेल, GS धर्मेश, संदीप सिंह, दिनेश खटीक, सुरेश पासी, ये सारे वैसे नाम है जो कि लगभग कंफर्म है। असीम अरुण की पहले अगर बात करें तो असीम अरुण निश्चित तौर पर मंत्री बनाए जाएंगे, ऐसे हमें संकेत दिए गए हैं। उसके पीछे बड़ी वजह है, असीम अरुण सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं है बल्कि पुलिस अधिकारी के तौर पर सौरभ असीम अरुण ने जो काम किया है और जो काम करने का उनका तरीका है
उससे बीजेपी के बड़े नेता बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। असीम अरुण की खासियत ये बताई जाती है कि वो एक सिस्टम बनाने में यकीन करते हैं, खुद पब्लिसिटी लेने की होड़ में शामिल नहीं होते, बल्कि वो एक सिस्टम बनाकर काम कराना चाहते हैं। और जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि किसी भी सरकार के लिए अगर इस सोच वाला मंत्री हो, अनुभवी हो, तो वो कितना कारगर हो सकता है। असीम अरुण के साथ वो बात है, उनका अपना फैमिली बैकग्राउंड भी है, वो बहुत पढ़े लिखे फैमिली से आते हैं, अपने समाज में एक रोल मॉडल के तौर पर देखे जाते हैं। उनके पिताजी यूपी के DGP रहे हैं, उनके परिवार में IAS हैं। तो एक कुल मिलाकर एक पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति और उस समाज से अगर आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने समाज में मैसेजिंग के लिहाज से वो किस प्रकार का रोल मॉडल के तौर पर देखा जा रहा होगा। और ऐसे में निश्चित तौर पे योगी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जानी लगभग तय बताया जा रहा है। राजेश्वर सिंह को लेके निश्चित तौर पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, हालांकि उनका नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, और जो उनका भी अपना प्रोफाइल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने प्रोफाइल और सभी नेताओं से अपने कनेक्शन के बल पर, सभी नेताओं की जब मैं बात कर रहा हूँ सौरभ, तो चाहे लखनऊ की बात कर लें या दिल्ली की बात करें, कमोबेश हर जगह वो वेल कनेक्टेड हैं और अच्छे तौर पर वो जाने जाते हैं। ऐसे में किसी भी कोने से उनके नाम को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, और इसमें माना जा सकता है कि शायद उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। कास्ट इक्वेशन लेकर निश्चित तौर पर एक फैक्टर रहता है कि उसमें कई बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं। हालांकि राजेश्वर सिंह को बनाया जाएगा तो इसलिए नहीं कि वो किसी समुदाय विशेष से आते हैं, किसी कास्ट विशेष से आते हैं, बल्कि इसलिए कि जो बैकग्राउंड उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके आधार पर उन्हें जगह दी जाएगी, जैसा कि शुरू में हमने बताया था कि वो भी एक क्राइटेरिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।